बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे, पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 7 है। उससे पहले बेटा, क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूले पहले मैंने एक लेक्चर में बताए थे आपको, वो फार्मूले दोबारा से आज रिपीट कर देता हूँ। फार्मूला बेटा हमारे पास लिखा हुआ था ए प्लस बी होल स्केयर। मैंने आप लोगों को ये फार्मूला बताया था, ए प्लस बी होल स्केयर किसके बराबर होता है बेटे? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। उसके बाद एक और फार्मूला मैंने आप लोगों को बेटा याद करवाया था, ए माइनस बी होल स्केयर किसके बराबर होता है? तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। इसी के साथ एक और फार्मूला भी हमने लिखा था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि हमारे पास इक्वल होगा किसके? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो बेटा ये फार्मूले आज आपको दोबारा से मैंने रिवाइज करवा दिए। तो आज हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, वो लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल टू टू ए। यहाँ से हमने फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटे हमारे पास क्वेश्चन था a इंटू एक्स माइनस ए प्लस एक्स इन बी इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू टू ए बी। बेटे a हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो a को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। a जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a x आ जाएगा, माइनस ए जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैंने कहा था कि जब बेसिस आर सेम पावर विल बी एड, तो उनकी पावरें ऐड कर दी जाएंगी। तो a मल्टीप्लाई बाई a, जब a a से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावरें ऐड होकर ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स प्लस माइनस माइनस b को जब b से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए। बेटे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, हमारे पास x वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया हमने, ए एक्स प्लस बी एक्स, माइनस का ए स्केयर और माइनस का बी स्केयर है, इसको दोनों को उठाकर दूसरी साइड पर जब हम लेकर जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। ये माइनस का था, इस साइड पर आया प्लस का हो गया, ये माइनस का बी स्केयर था उस साइड पर जाकर वो भी प्लस का हो गया, इज इक्वल टू प्लस टू ए बी। तो बेटा हमारे पास इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, ये इधर भी एक्स है और ये भी एक्स है, इन दोनों में से एक्स अगर मैं कॉमन लूँ, एक्स इधर से बाहर जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? ए प्लस, जब इधर से x को कॉमन लेंगे बाहर आएगा, बाकी क्या रह गया हमारे पास? b इज इक्वल टू। बेटा ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया, a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी होता है। अगर हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी हो तो उसको हम a प्लस बी होल का स्केयर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी है, तो इसको मैंने लिख दिया a प्लस बी होल का स्केयर। इस फार्मूले को आप ओपन करेंगे तो दोबारा यही चीज़ आपकी बन जाएगी। तो बेटे हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्केयर। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इधर से x को अलग करें, ये जो x के साथ चीज़ है ये मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। जब बेटा दो चीज़ें सेम हो और डिवाइड हो रही हों, तो ये ए प्लस बी होल स्केयर है डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो बेटा ये दोनों सेम है, तो इधर से एक ए प्लस बी कैंसल हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमारे पास जो इसका आंसर निकला, इसका सोल्यूशन सेट निकला हमारे पास, s डॉट s इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में उसको क्लोज कर दो, a प्लस बी। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बेटे हमारे पास लिखा हुआ फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन ओवर टू माइनस एक्स प्लस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर वन माइनस एक्स प्लस थ्री ओवर फोर। यहाँ पर भी हमने बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस फॉर्म में होता है, हम क्या करते हैं, उनको हल करते हैं। अगर मुख्तलिफ फ्रैक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, तो पहले उसको एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद आगे उसको हल करते हैं। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, तो बेटे इसका सोल्यूशन देखें, x प्लस वन ओवर टू माइनस एक्स प्लस वन ओवर थ्री वैसे इज इक्वल टू, ये टू अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, टू वन से मल्टीप्लाई हुआ टू, इस टू को जब इधर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री ओवर फोर, तो टू वन ज़ा टू, टू से कैंसिल होकर बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा,
2 आंसर आ जाएगा, तो x प्लस 3 ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, ये 2 है, 3 है और 2 है, अगर इन तीनों रकमों का एलसीएम ले तो हमारे पास एलसीएम 6 आता है। तो इस पूरी रकम को मैंने दोनों साइड पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ओवर 2 माइनस 6 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 ओवर 2। तो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2 से 6 को कैंसिल करें तो 3 आएगा, 3 को x प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस, ये 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 से 6 को कैंसिल किया 2 आंसर आया, 2 को ऊपर वाली रकम से जब मल्टीप्लाई किया 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस माइनस माइनस, बेटा ये अलामत भी मल्टीप्लाई हो रही है साथ, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ 12 माइनस, ये 2 जब इसको डिवाइड करेगा 6 को तो 3 आंसर आएगा, 3 जब ऊपर वाली रकमों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय, तो 3x प्लस माइनस माइनस 3 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 आंसर आ गया। बेटे हमारे पास अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पर कर लेंगे और कांस्टेंट रकमों को दूसरी साइड पर कर लेंगे, तो 3x माइनस 2x x रह जाएगा, ये माइनस का 3x जो है इसको उठाकर हम इस साइड पर लेकर आएंगे, प्लस का 3x हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 2, तो प्लस का 1, प्लस का 1 दूसरी साइड पर जाएगा वो माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 9 3, और यहां पर जो प्लस का 1 बचा था वो इधर आकर माइनस का 1 हो गया। तो बेटे हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3x 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो बेटा इसका जो आंसर होगा आप कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या बन गया, 1 ओवर 2। बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास क्या है, 5 माइनस 3x ओवर 2 माइनस 2x ओवर 4 प्लस का x माइनस 7 ओवर 12 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी किया कि जो हमारे पास अगर फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन हो तो फ्रैक्शन के अंदर यानी कि डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर लिखे हुए हैं अगर उन सब का एलसीएम ले लें और उस एलसीएम से उसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से इधर भी वही काम कर लिया मैंने, 2, 4 और 12 का एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम क्या आता है, हमारे पास 12 एलसीएम आएगा, 12 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3x ओवर 2, 12 मल्टीप्लाई होगा 2x ओवर 4 से तो माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2x ओवर 4 प्लस 12 को जब इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 12 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो 0 ही हो जाती है। तो बेटे हमारे पास इस 2 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आंसर आएगा। तो 6 को ऊपर ये जो न्यूमिनेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 30 माइनस 6 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 3 जा 18 x 4 से 12 को हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 3 आंसर आएगा। 3 को जब इधर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x माइनस 6x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटे कांस्टेंट रकमों को ऐड कर लो और वेरिएबल वाले रकमों को ऐड करें तो हमारे पास आता है माइनस का 18x और माइनस 6x तो माइनस का 24x बनेगा, प्लस x तो माइनस का 24 प्लस x यानी कि माइनस का 23x और 30 माइनस 7 23। इस माइनस के 23x को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे वो प्लस का 23x हो जाएगा। बेटे 23x ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 23
तो इसको इधर लेकर आएंगे तो इधर आकर डिवाइड करेगा तो 23 से 23 कैंसिल, तो x का आंसर हमारे पास क्या आया, 1 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर बना उसको आप कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दें 1 को, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। बेटे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 24 है, 2x - 8/5x इज इक्वल टू 1/x - 2 होल 1/5। ये बेटे आप लोगों की असाइनमेंट है, इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, तो बेटे ये आपने करना है। ये आज का हमारा लेक्चर था, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।